हेलो एवरीवन, न्यू ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ इधर बाहर में कुछ घर देखने के लिए रेंट में। अभी देखते हैं इधर का किधर रेंट मिलता है। अभी तक तो पता नहीं यहाँ पे किधर घर का वैकेंसी है क्या नहीं है। अभी निकलते निकलते देखेगा क्या है। दोस्तों आप यहाँ पर भी देख लीजिए कितना बड़ा घर बन रहा है, लेकिन ये भी घर बन जाने के बाद इसको भी रेंट पर लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पे घर मिलने का भी बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ पे ये अबू धाबी का सिटी भी है। अभी इधर इतना बहुत रेंट भी रहता है, पता नहीं अभी घर कभी मिलेगा मेरे को। मैं तो अभी ढूंढना शुरू किया है, चलो देखते हैं कि इधर घर मिलता है क्या नहीं मिलता है। मैं आप लोग के लिए अभी कैंप से बाहर आता हूँ रहने के लिए, मेरे को वीडियो बनाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है और कैंप पर तो मैं नहीं बना पाता है, लेकिन इधर इसीलिए मेरे को बाहर रहना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोग के लिए मैं बाहर देखता है रहने के लिए, और आप ज़रूर मेरे को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों आपका सपोर्ट का ज़रूरत मेरे को बहुत ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे घास है, और ये रोड का साइड पे लगा हुआ है। ये मेरी गांव पे ऐसे देखने के लिए मिलेगा, तो कोई भी कटिंग करके ले कर गाय की दे देगा खाने के लिए, क्योंकि गाय को तो खाने के लिए ये तो बहुत पसंद है घास। लेकिन देखिए कितने सारे घास लगा हुआ है यहाँ पर, ये रोड का शो के लिए लगा हुआ है। मैं एक महीना से रेंट पे रूम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे रूम मिलने का बहुत मुश्किल होता है। मेरे को हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलता है, मैं वही छुट्टी में ही आ रहा है रूम ढूंढने के लिए, क्योंकि यह तो थोड़ा लोकल एरिया है, लेकिन इसलिए रूम मिलने का थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा घूमेगा तो मिल जाएगा थोड़ा, लेकिन इतना घूम नहीं पा रहा है इसलिए मिलने का थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कोशिश करेगा आज ही मिके से मिल जाएगा। मेरे को जब भी घर मिल जाएगा मैं आप लोग को ज़रूर दिखाएगा। दोस्तों इधर घर का रेंट लेने के लिए एक रूम के लिए आ जाएगा 50 से 60 हज़ार तक आ जाएगा इंडिया का मनी में, लेकिन ऐसे घर पे मेरे जैसे लोग का तो नहीं ले पाएंगे। लेकिन हम उसी के हम लोग 5-6 आदमी मिल के उसको घर लेते हैं, तो पैसा सब कम पड़ेगा और रूम भी मिल जाएगा। बहुत सारे लोग सिटी में ऐसे ही रहते हैं, नहीं तो अकेला कोई भी बंदा इतना पैसा दे के रह नहीं पाएगा, और इतना पैसा दे के रहेगा तो फिर इसका सैलरी 5 से 6 लाख है। वो लोग ही लेते हैं ये सिंगल वाला रूम, उसी का अंदर सिंगल रूम ही रहेगा और लैट्रिन बाथरूम रहेगा, उसमें किचन भी सुविधा रहेगा, उससे और कुछ नहीं रहेगा, बस उतना ही रहेगा। दोस्तों अभी मैं 4 से 5 किलोमीटर चल चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को घर ही नहीं मिला है। देखते हैं कभी घर मिलता है। दोस्तों मेरे को सामने में कुछ मिला है देखिए, और ये जो देखने आप देखते हो ना, ये जो बोट होता है ना समुद्र में चलता है, यहाँ का लोकल लोग तो बहुत इसको एंजॉय करते हैं बोट को लेकर। लेकिन अभी इसका ऊपर बोट नहीं है, बोट इसका ऊपर रखते हैं, अभी बोट इसका ऊपर रखते हैं गाड़ी में लगा के इसको ले कर जाते हैं, और समुंदर के पास जाने का बाद उधर बोट निकाल देते हैं। बहुत देखिए बोट निकलने के लिए बहुत ईजी होता है, इसलिए पाइप दिया हुआ है, पाइप से आराम से वो स्लिप कर लेगा, इसलिए ये पाइप लगा हुआ है बोट के लिए। अभी देखिए मैं जो आप लोग को दिखाया था उधर में बोट रखने के लिए खाली उसका स्टैंड ही था, अभी देखिए बोट का साथ बोट का स्टैंड का साथ साथ बोट भी है। ये यामा कंपनी का तो आपको सबको पता है, और देखिए इसका बोट कैसा रहता है। और देखिए मैं जो पाइप का बता रहा था उसका पाइप है, नीचे में पाइप भी है, ये निकलने के लिए बहुत ईजी होता है। इसका पंखा देखिए, पंखा भी बहुत पावरफुल होता है, बहुत स्पीड में जाता है ये, आप लोग भी तो देखे होंगे ये कितना स्पीड से जाता है। देखिए इसका हैंडल है, सब कुछ इधर ही है, ये घर का सामने ही रखा हुआ है। जब भी उनका मर्जी होता है घूमने के लिए पानी में, ये लोग ले कर जाते हैं। दोस्तों मेरे को आगे में तो कुछ नज़र आ रहा है जैसे बोर्ड मरा हुआ है, चलो देखते हैं उसी का पास जाके किस चीज़ का बोर्ड मरा हुआ है। रूम का हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों देखिए मेरे को भी रूम ही मिल गया है, आप देख पा रहे होंगे इधर फॉर रेंट लिखा हुआ है। अभी चलो देखते हैं इसका नंबर को कॉल करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। चलो इसी नंबर पे अभी मैं कॉल करता है, चलो फिर कॉल करके देखते हैं अभी क्या बता रहे हैं। 0506146146141412
रहा है अभी। सर कैन आई पॉसिबल नाउ चेक द रूम? यस सर, यस आई एम वेटिंग नाउ योर फ्रंट, आई एम वेटिंग नाउ रूम, योर रूम फ्रंट। या Tomorrow I have duty, but which time is possible, sir? Tomorrow 9 p.m. My duty is 8 a.m. to 8 p.m. Yes, sir. Okay, no problem, sir. Tomorrow 9 p.m. See you. Okay, bye. दोस्तों अभी मैंने तो जो घर रेंट पे देते हैं उनसे बात किया, अभी तो नहीं, अभी बाहर में है, लेकिन वो बोले हैं कल मिलने के लिए रात 9 बजे। मेरा तो ड्यूटी रह जाता है 8-8, अभी इसलिए 9 बजे मैं बोला मिलने के लिए, कल मैं 9 बजे मिलेगा उनसे। तो मेरे को अभी इतना टाइम का बाद तो मेरे को अभी मिला है, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है वही रूम है क्या, कौन सा रूम है। अभी वो आने का बाद रूम देखेगा, रूम देखने का बाद देखेगा कितना बड़ा रूम है, क्या है और कितना रेंट लेता है, वो तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेंट तो बहुत महंगा ही है। देखेंगे कि रूम के हिसाब से पैसा है, देखेगा कितना बड़ा रूम है और देखते हैं, कल देखेगा तो पता चल जाएगा। और मेरे को बहुत ढूंढने का बाद मेरे को अभी मिला है। दोस्तों आप तो देखा है अभी मैं तो जो बात किया है जिसका घर है, लेकिन वो भी अभी कन्फर्म नहीं है वो कितना रेंट लेगा, क्या होगा उसका बाद पता चलेगा, वही घर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि मेन चीज़ ये रेंट कितना लेता है, क्योंकि घर तो कैसा भी होगा चल जाएगा, इधर का यहाँ पे घर कैसा भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन मेन चीज़ ये पैसा कितना लेता है, जितना कम लेगा उतना रहने के लिए भी जल्दी हो पाएगा। दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।